आरबीआई ने महंगाई कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दी है, और उस रेपो रेट के बढ़ने से हमारे जितने भी लोन है वो भी सब महंगे होने वाले हैं। तो आपके मन में क्या है, सवाल नहीं आता आखिर ये रेपो रेट होती क्या है और इसके बढ़ने से महंगाई भैया कैसे कम हो जाएगी, और अगर महंगाई कम हो रही है तो हो जाए भाई, हमारे लोन क्यों महंगे हो रहे हैं, और अगर ये सारी चीजें इतनी अच्छी है तो स्टॉक मार्केट 1300 पॉइंट गिर गया, ये क्या चक्कर है, कोई ये पूरा रायता समझाएगा? डोंट वरी, अगले 5 मिनट में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सभी टेक्निकल कॉन्सेप्ट बहुत आसान सी भाषा में, क्योंकि ये चैनल आम लोगों का नहीं है, ये चैनल है खास लोगों का जिनको इंटरटेनमेंट नहीं इन्फोटेनमेंट चाहिए, जहां पे इंटरटेनमेंट भी मिले और इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाते हैं बहुत देसी और आसान भाषा में, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये रेपो रेट होती क्या है। तो रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। सर ये क्या होता है, आप ऐसे समझो जब भी बैंक के पास पैसा कम होता है वो आरबीआई के पास जाती है, भैया पैसा कम है कुछ पैसे दे दो और हम आगे लोन पे बांट दें। तो जो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। तो बैंक की अभी रेपो रेट थी 4%, यानी 4% पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है और बैंक उसी पैसे को 2% 3% अपना मार्जिन जोड़ के आपको ब्याज पे दे देते हैं। अब आरबीआई कहती है नहीं भैया 4 रुपए 40 पैसे लेंगे ब्याज के, तो जब बैंकों को लेना महंगा पड़ गया तो वो आपके भी तो बढ़ाएंगे, इसीलिए रेपो रेट बढ़ने से आपके सभी लोन महंगे हो रहे हैं। सर जी बात तो सही है कि रेपो रेट बढ़ने से होम लोन कैसे बढ़ेगा, बाकी लोन कैसे बढ़ेंगे, समझ में आ गया, लेकिन आखिर आरबीआई ऐसा कर क्यों रही है, बैठे बैठे हमारे लोन क्यों महंगे कर रही है? सर आरबीआई इसलिए कर रही है, आरबीआई कह रही है मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ महंगाई को। अभी मार्च 2022 का जो महीना था इसकी महंगाई जब नोट की तो इन्फ्लेशन रेट थी 6.95, यानी 7% के आसपास। अब आइडली ये 6% के आसपास होनी चाहिए पर 6 से आगे 7 तक पहुंच गई है। तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो भैया 7% मेंटेन करनी है, अब ये 7 के आसपास आ गई, अब हम यहाँ कुछ करेंगे ताकि ये 7 को पार न कर पाए। अब एक अगला सवाल कि सर जी ये इन्फ्लेशन होता कैसे है और ऐसा करने से ये कंट्रोल कैसे होगा? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब ये है, जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आता है तो क्या करता है, खूब परचेसिंग करता है, खूब खाता है, खूब पीता है, खूब सामान खरीदता है, खूब घूमता है, और जब इतने सारे पैसे होते हैं और इतनी ज़्यादा डिमांड होती है तो इतनी ज़्यादा चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पाती तो चीज़ें महंगी हो जाती है, उसे ही महंगाई कहते हैं। तो अब आरबीआई चाहती है कि महंगाई ना हो, तो क्या करें कि लोगों के पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है ना ये कम कर दो, तो इनके हाथ में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्चेंगे नहीं तो डिमांड कम तो भैया सप्लाई तो आई, अपने आप ही महंगाई कम आ जाएगी। तो रेपो रेट के बढ़ने से क्या होता है, रेपो रेट बढ़ी, आरबीआई ने बैंक को महंगा पैसा दिया, बैंक अब आपको महंगा पैसा देगा। और ये मत सोचना नया, कई लोग कह रहे हैं कि नए वालों का हमारे क्या दिक्कत है, पुराने वालों का भी होगा। तो महीने का आपका अगर 10,000 रुपये का लोन का खर्चा था, अब वो लोन का खर्चा 11,500 हो जाएगा, तो ये 1,500 रुपये जब आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो बाकी फिजूल के खर्चे आप कम करोगे, आपके हाथ से पैसा कम होगा। दूसरा, आप आसानी से लोन ले लेते कि ले लो यार लोन में क्या फ़र्क पड़ता है, अब लोन महंगा होगा तो आप लेने से भी पहले कई बार सोचोगे। सर आप गौर से देखो, आरबीआई कह रही है महंगा इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास पैसा है, अरे लोगों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, लोगों की इनकम तो बढ़ी नहीं, फिर कैसे पैसा है, ये पैसा आया उधारी का, क्योंकि बैंक के लग गई लोन ले लो सस्ते सस्ते लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, वो नए फिनटेक ऐप कह रहे हैं हमारा ऐप डाउनलोड करो, सिविल अच्छी है, लो 5 लाख का लोन, लो 2 लाख का लोन। तो दुनिया को लोन लेने का चस्का लग गया, बोले सस्ता लोन है ले लो। अबे सस्ते के चक्कर में इतना लोन लोगों ने ले लिया, उनके पास पैसा आ गया, ओरिजिनल पैसा नहीं था, उधारी का पैसा था। इंडियन इकोनॉमी पहले कैश इकोनॉमी थी, इंडियन आदमी कहता था जेब में जितना पड़ा उतना ही खर्चा करूंगा, उधार लेना गंदी बात, ये पुराने लोगों की बातें थी। आज का आदमी कहता है 20,000 की तनख्वाह 10,000 का लोन, आने दे जो आता है। तो एक्स्ट्रा लोन और कर्जे और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बिना बात की महंगाई बढ़ा रखी थी। अब गवर्नमेंट ने जैसे इस पर कंट्रोल किया, जैसी चीजें महंगी होगी आदमी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सोचेगा, ये 2-5 लाख के छोटे मोटे लोन लेने से पहले सोचेगा, और उसके पास जो पैसा है वो इन्हीं चीजों में चला जाएगा, तो काफी हद तक बाकी खर्चे कम हो जाएंगे और महंगाई इस प्रकार कंट्रोल में आएगी।
अब जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं कि ये 1300 पॉइंट सेंसेक्स क्यों गिर गया, अगर इतनी अच्छी बात है तो। लेकिन उसको बताने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है इतना जटिल कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया भाई, तो एक बार अपने भाई के लिए एक लाइक कर दो, ताकि गूगल अंकल को पता पड़ जाए कि भैया ये बंदा वीडियो अच्छे बनाता है। और अगर कुछ और अच्छा लगे, कुछ और सवाल हो तो कमेंट पे भी मार देना। चलो तो सुनते हैं कि भैया 1300 पॉइंट आखिर गिर क्यों गया। क्योंकि सर लोन आम आदमी की थोड़ी महंगे हुए हैं, लोन तो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी तो महंगे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो लोन ले रखा था वो भी तो महंगा है। तो जब उनका लोन महंगा हो गया तो ब्याज का पैसा बढ़ गया, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो बड़ी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है। दूसरा, नए लोन लेने में वो भी डरेगी, तो नए लोन लेने में जब डरेगी, 100 करोड़ का लोन सोचा था, सोचेंगे चल महंगा लोन है 70 का ही ले लो, तो जो एक्सपेंशन था, जो ग्रोथ थी, वो भी अपने आप कम होगी। सर ग्रोथ डाउन है, सेल डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, तो शेयर का प्राइस भी तो डाउन आएगा। ये मार्केट को भनक लग गई, इसलिए मार्केट 1300 पॉइंट तुरंत गिर गया। और अगर आपको लग रहा राहुल जी 4 से 40 पैसा बढ़ने में इतनी उठापटक हो रही है, ये और ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, सर आपको मैं बता दूं कि सन 2014 में ये थी लगभग 8%। ये 8% से कम हो के 2018 में 4% आई थी, और अब वापस बढ़ रही है, और हो सकता है क्या पता दोबारा 8 चले जाए। और हाईएस्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो सन 2000 में ये रेपो रेट 16% भी हुआ करती थी। आप इमेजिन कीजिए, अगर 10-15 साल पहले मैं मेरे स्कूलिंग के जमाने की बात करूं तो तब होम लोन कितने महंगे आया करते थे। होम लोन जो आज 6-6.5% पे है, तब होम लोन 10-11-12% भी हुआ करता था। तो लोन का महंगा और सस्ता होना ये डिपेंड करता है इन्हीं रेपो रेट पे। और भी आपका कोई सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, और शेयर तो भाई साहब करना ही करना है, क्योंकि विद्या माता बुरा मान जाएगी। अगर नॉलेज सीखी और अपने पास ही रखी तो विद्या रानी बुरा मान जाएगी। तो विद्या रानी की कसम, शेयर इट ऑन।